से एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड। उसमें हम लोग लगभग 600 पास भी निर्गत कर चुके हैं। खाद की सामग्री या फसल कटनी, उस पर कोई रोक नहीं है, उसके मूवमेंट पे हम लोग पास दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन हम लोग दे चुके हैं कि कटनी भी कोई करना चाहता है तो दूरी मेंटेन करके वो कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 27-28 सैंपल भेजे गए हैं, अब एग्जैक्ट फिगर चूंकि अलग अलग स्टेजेस में है, लेकिन 26 तो उसी के अनुरूप है। 21 सैंपल फॉरेन रिटर्न थे, उनके थे, और इसके बाद दो हम लोगों ने जो यहाँ लोकल सस्पेक्टेड चिन्हित किया था उसके थे, और फिर उसके बाद चार और हुए हैं, तो 27 तो यही हो गए। तो मैं समझता हूँ 28-29 सैंपल हम लोग भेज चुके हैं, सभी अभी तक नेगेटिव आए। सर पीएम ने घोषणा की है कि उस पर हम नहीं कमेंट करेंगे। और कुछ पूछ रहे, 8300 लोगों का कल जांच हुआ था, ठीक है, इसमें से 5000 लोग हैं जो 14 दिन से पहले से हैं, मतलब 14 दिन की अवधि के हैं, और लगभग 3000 लोग ऐसे हैं जो 14 से 21 दिन वाले हैं। हम लोग डेली सबकी जांच करा रहे हैं। आज हमने सारी टीम को भेजा है फिर इन सब की जांच कराने को। अंतर सिर्फ इतना है कि हम किसी भी तरह से फेक रिपोर्टिंग हमें ना आ रही हो, अगर 8000 की जांच है तो 8000 आ जाए मेरे पास, इसके लिए हम लोगों ने एक्टिवेट किया। हम लोग डेली 100% करा रहे हैं। आज बिल्कुल पुख्ता सारे ऑफिसर्स साइंड हमें दे दें जिम्मेदारी के साथ कि हाँ उनके एरिया में जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का टास्क तो उन सभी 5000 14 दिन वाले और 3000 21 दिन वाले, इन 8000 की तो जांच करानी ही करानी है, और इससे ज़्यादा अगर वो कर ले 21 दिन ज़्यादा वाले भी तो हम लोगों को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने 82 स्कूल में ये 1372 प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जो इस बीच आप लोगों ने देखा अन्य जो दिल्ली और अन्य राज्यों से आए हैं, तो इधर के जो पिछले एक सप्ताह में 1372 लोग हमारे प्रवेश कर चुके हैं, और 83 स्कूलों में उनके आवासन की और खाने की व्यवस्था आपदा राहत केंद्र के रूप में आपदा विभाग से की जा रही है। इन 83 स्कूल में कल प्रत्येक सेंटर पे डॉक्टर्स द्वारा जांच किए जाने की हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट दी है। अभी हम लोगों ने इन जो 20 ऑफिसर्स को भेजा है ये वेरीफाई करने के लिए भेजा है कि हर केंद्र में दैनिक रूप से डॉक्टर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई और नहीं, डॉक्टर्स को जाना है। ये हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं क्योंकि ये रिसेंट अभी इन्फ्लक्स हुआ है, तो ये भी हम लोगों ने टास्क दिया है कि हर स्कूल में ठहरे हुए हर व्यक्ति की डॉक्टर जाँच करें ताकि हम लोग उसके रिस्क को लेके आश्वस्त हो जाएं आज शाम तक। दो महीनों के समतुल्य राशन का वितरण किया जाना है, उसकी अभी हमने अलग से मीटिंग बुलाई है, और ये प्रधानमंत्री योजना से और हम लोगों के यहाँ से 2 माह का राशन दिया जाना है। तो इसकी दैनिक लिफ्टिंग और डिस्पैच की समीक्षा आवश्यक है, जो हम लोग इंश्योर कराएंगे कि 20 अप्रैल तक ये सारा लिफ्टिंग और डिस्पैच हो जाए। अन्य राज्यों में जो कटिहार जिला के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उसमें 1300 की सूची हम लोगों ने चिन्हित करके 1300 मजदूरों की कल आपदा विभाग को यहां से प्रेषित करी है, और कल रात तक हम लोगों ने 700 लोगों का आंकड़ा और इकट्ठा किया है, उनकी सूची अभी हम तत्काल यहां से भेज देंगे। तो इस प्रकार से लगभग 2000 मजदूर हम लोग चिन्हित कर चुके हैं जो विभिन्न राज्यों में कटिहार जिला के किसी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो फिर आपदा विभाग द्वारा उनके राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके उनको राहत दी जाएगी। कटिहार जिला में हम लोग न्यूनतम 1300 बेड के क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स को चिन्हित कर चुके हैं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और इसके अतिरिक्त 700 बेड हम लोग 48 घंटे की रेडीनेस में तैयार करने की स्थिति में हैं। बाहर से हम लोगों को सूचना मिल रही है, खासकर से मरकज़ से आए हुए जितने भी लोग हैं, तो जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था 7 लोग यहाँ के कभी लौट के नहीं आए हैं 3 महीने में, 11 लोग जो विदेशी थे वो भी मरकज़ के बाद यहाँ पे नहीं आए हैं, मरकज़ के पहले यहाँ पे थे और 10 मार्च को यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया था, 10 मार्च के पहले ही प्रस्थान किया था, कुछ लोगों ने 1 मार्च को, कुछ लोगों ने 9 मार्च को। उनके संपर्क में आए हुए 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उनका भी सहयोग प्राप्त किया और उनका सैंपल भी भेजा हुआ है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज उनकी सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी, और एक वो जो एक रिस्क एनालिसिस था संभवतः उसकी भी पुष्टि आज हम लोगों को हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो भी सूची और आ रही है उसको हम लोग ट्रैक करा रहे हैं। एक पैसेंजर की हम लोगों को लिस्ट आई थी जो कि कोविड पॉजिटिव पाई गई, किसी के साथ में ट्रैवल हुआ तो उसकी भी हम लोगों ने जांच करी है,
वो अभी कटिहार ज़िले में उसका प्रवेश नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जहाँ से जो भी हम लोगों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आ रही है, सबकी हम लोग जाँच करा रहे हैं। रैन बसेरा में जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे लोग हैं, मेडिकल कॉलेज में लोगों को आइसोलेट किया गया है। तो हम लोगों का प्रयास है कि हर तरह से हम लोग तैयार रहें और किसी भी प्रकार से संक्रमण के फैलाव को हम लोग ना होने दें। ऐसा कुछ आदेश दिया जाए कि प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक में बैठे। और कुछ सर? क्वारंटीन सेंटर में ये हम लोगों को जब ये इन्फ्लक्स हो रहा था तो कहीं कहीं से सूचना आई थी, दक्षिणी काटा कोश है मनिहारी में, फिर बेलवा में भी ये खबर आई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया, बेलवा में जिन लोगों ने भगाया था उन पे FIR की गई और उन मज़दूरों को हम लोगों ने वापस क्वारंटीन सेंटर में रखा। अभी बेलवा में 45 के करीब मज़दूर वहाँ पे हैं और उनकी जाँच की जा रही है और फोर्स डिप्यूटेड है। उसी प्रकार से दक्षिणी काटा कोश में मनिहारी में हम लोगों को मजदूरों के पलायन करने की बात प्रकाश में आई, वो लोग दियारा क्षेत्र में चले गए थे, लेकिन एक विशेष टीम गठन करके उन लोगों को वापस लाया गया है और वो भी अभी वहीं पे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को खबर आई किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कि कोढ़ा में किसी स्कूल में कुछ शिकायत हो रही है, वहाँ पर भी हम लोगों ने वरी ऑफिसर को भेज के जाँच कराई और वहाँ पर भी व्यवस्था मुकम्मल कर दी है। तो जब इतना बड़ा एक अरेंजमेंट होता है तो उसमें कुछ ये इस प्रकार का संघर्ष आता ही है, क्योंकि हम लोग इंसानों से डील कर रहे हैं और सबकी अपनी संवेदनाएं, सबकी भावनाएं हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों को रिस्पॉन्ड करना है और उन लोगों की व्यवस्था मुकम्मल तरीके से करा देनी है। तो हम लोग प्रयास कर